बात 1960 के आसपास की है। मैं ग्वालियर से दिल्ली ट्रेन का सफर कर रहा था। 6-7 घंटे का रास्ता, 3rd क्लास कंपार्टमेंट। ट्रेन जैसे कि अमूमन होता ही है, खचा खच भरी थी, मगर उतना नहीं कि मेरे लिए कोई जगह ना हो। कुछ लोग मुस्कुराए, दिल में जगह बन गई। एक टोली के साथ 12 लोग मैं बैठ गया। 3-4 औरतें, 7-8 आदमी, उनके साथ पोटलियां और मटके। लखनऊ के पास ही 2 गांव के निवासी थे। 3 महीने से तीर्थ यात्रा पर निकले, रामेश्वरम और अनेक तीर्थों से अब वापस लौट रहे थे। एक अद्भुत बात देखी मैंने, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं जब उनके शरीर को किसी का पांव छू जाए, मगर किसी का पांव उनके मटकों से छू भी जाए तो वो बहुत नाखुश होती। मैंने पूछा, इन मटकों में है क्या? उन्होंने बताया, घर से साथ लिया खाना, पूरे 3 महीने का राशन, आटा, घी, चीनी, अब कुछ बचा खुचा। मैंने पूछा, तो आप सब एक ही जाति के होंगे? नाना, हम सब अलग अलग जाति से हैं, तीर्थ यात्रा में कोई जाति नहीं होती जी। मैं भीतर ही भीतर झेपा। 38 साल का था मैं और भारत के बारे में अभी तक मुझे ये नहीं पता था। बहुत से ऐसे भारतीय लोगों की तरह जो आम भारतीय, किसान, कारीगर, गांव देहात के लोगों के बारे में ना के बराबर जानते हैं। रेल का सफर था। मैंने उनसे पूछा, भाई मद्रास बंबई तो गए होंगे? वो मुस्कुराए, जी वहां स्टेशन से गुजरे थे। कुछ देखा? ना, समय ना था। मैंने ऐसे कई आधुनिक भारत के शहरों के नाम लिए, वो सबसे गुजरे थे मगर रुके कहीं नहीं। फिर मैंने पूछ ही डाला, दिल्ली, ट्रेन दिल्ली जा रही है, दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी है, वहां तो रुकोगे, देखोगे राजधानी दिल्ली। मैं मजाक नहीं कर रहा था, मगर वो ही जवाब, अभी दिल्ली के लिए समय ना होगा, हमें तो हरिद्वार जाना है, फिर घर वापस लौटना भी तो है ना। यूं ही 5-6 घंटे बात करते करते मैं सोच में डूब गया। इनका ये भारत, इसका ख्याल कौन रखेगा? जब हम भारत की बात करते हैं तो कौन से भारत की? वो ये तो नहीं, आज का आधुनिक भारत जिसकी नींव जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों ने डाली, ये आधुनिक मंदिर, यूनिवर्सिटीज, आधुनिक पंडिताई, स्कॉलरशिप की जगह, ये किसके लिए बना रहे हैं हम? ये लोग जो तीर्थ यात्रा के लिए पूरे देश भर में घूम रहे थे, इनकी तो इन सब में कुछ रुचि नहीं। और ये भारत के असली चेहरे थे जो पंडित नेहरू, मैं और मुझ जैसे बहुत लोग कभी नहीं हो सकते।